परिसर आशा के आज इस प्रोग्राम पे मैं आई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आरती जी ने ये ऑर्गेनाइज किया है विद द थीम सोल इन एजुकेशन। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव रहा है राइट टू एजुकेशन। परिसर आशा ने इसको एक स्टेप फर्दर लिया है विद राइट टू राइट एजुकेशन। तो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड आजकल जैसे हम देखते होंगे कि सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना उसमें मेमोराइजिंग पे भार डाला जाता है कि जो एक्चुअल लर्निंग है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बोल्ड लर्निंग, अबाउट लाइफ लर्निंग, वो कहीं पीछे रह जाता है। तो स्टूडेंट इज़ मोर इनटू मगिंग अप। उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं छुप जाती है, और क्रिएटिविटी इज़ द मेन एसेंस जिससे आप अच्छे साइंटिस्ट तैयार कर सकते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप हमको ये लोग ज़्यादा तादाद में अपने देश में चाहिए, तो वी हैव टू बूस्ट क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी आने अगर आना है तो उसके लिए एक मेन क्रिएटिविटी के लिए मेन फैक्टर है कि द टीचर्स, द स्टाइल ऑफ एजुकेशन अदर देन सिलेबस, ये पूरा रिवैम्प होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि परिसर आशा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और इवन द गवर्नमेंट लुक्स इनटू इट कि एक ह्यूज चेंज आए करिकुलर में, जिसमें स्टूडेंट अपना पैशन या अपनी क्रिएटिविटी ज़िंदा रख पाए, और उससे हम जीनियस जो पैदा कर सकते हैं वो इसी रीज़न से पैदा हो सकते हैं। इट हैज़ टू बी देयर, इट हैज़ टू बी देयर। कैसे होगा ये? थ्रू मीडिया। यू विल बी द मेन चैनल्स फॉर दिस एनजीओस। इसमें गवर्नमेंट पर्सनली इट कैन गिव इनपुट्स, बट पेरेंट्स हैव टू रियलाइज, लाइक गर्ल चाइल्ड, एडुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड और फीमेल इन्फेंटिसाइड पीटिसाइड ना हो, इस पे रूल्स बन सकते हैं, पर फाइनली इट्स अ माइंडसेट चेंज। सिमिलरली फॉर एजुकेशन ऑल्सो पेरेंट्स का माइंडसेट होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस तरीके का एजुकेशन करे। उनको ऑप्शंस दिया जा सकता है, बट नो वन कैन गिव देम रूल्स फॉर दिस। बट दैट इज़ पेरेंट्स टू रियलाइज कि आपको अपना बच्चा आगे जाके कैसा इंसान चाहिए, उस हिसाब से उन्होंने एजुकेशन जो उनको मिलने वाला है खुद स्टडी करके देन डिसीजन लेना चाहिए कि वेयर टू पुट योर चाइल्ड, वेयर योर चाइल्ड शुड बी, और सिलेबस में कैसे चेंजेस होने चाहिए। दिस शुड कम फ्रॉम पेरेंट्स, दिस शुड कम फ्रॉम एनजीओज लाइक दिस, दिस शुड कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम मीडिया, फिर चेंज आएगा।